राम 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 मेरे स्वामी इतने चिंतित क्यों हैं? प्रभु आप इतने चिंतित क्यों हैं? हम क्या कहें देवी, मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है, मेरा भाई लक्ष्मण मेरे साथ है, किंतु इसके बाद भी न जाने क्यों मेरा मन अशांत है। स्वामी, संसार में कितने भी ग्रह हो, सूर्य के बिना रोशनी नहीं होती। आपके प्राण भक्त हनुमान आपके पास नहीं है, इसीलिए आपका मन व्याकुल है। राम हनुमान हनुमान हनुमान। श्री प्रभु रामचंद्र जी और माता सीता को मेरा प्रणाम। हनुमान, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि आपके मुख पर दुख छाया है जो पहले कभी नहीं होता था। हमने ये पहली बार देखा कि इतने शक्तिमान हनुमान इतने चिंतित हुए हैं। आप इतने चिंतित क्यों हैं हनुमान? हनुमान, आपको किस बात की चिंता है? अपना दुख अपने राम को बताने में आपको क्या संकोच है? स्वामी, आपको तो सब कुछ पता है, मेरे जैसा सेवक भला आप जैसे अंतर्यामी से कोई भी बात छिपा सकता है क्या? किंतु एक संकट है जो संकट मोचन पर संकट आया है। विस्तार से बताओ हनुमान। प्रभु, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं चिरंजीवी बनकर जीऊं, परंतु इस संसार में हो रहे अन्याय, अधर्म, संघार और स्वार्थ से भरा इन लोगों का जीवन मैं देख नहीं पा रहा हूँ प्रभु। संसार घोर संकट में है प्रभु, और लोग मानवता के मूल्यों को भूलकर स्वार्थी और आक्रामक बन रहे हैं। अब इस संसार से बंधु भाव लुप्त तो होता दिखाई दे रहा है प्रभु। लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे के प्राण लिए जा रहे हैं, वो जैसे चाहे वैसे बुरे काम किए जा रहे हैं। मानवता नष्ट होती जा रही है प्रभु। जिस धरती पर आप जैसे चक्रवर्ती हुआ करते थे, उस धरती पर आज पाप की नगरी बसी हुई है। ये सब मुझसे सहन नहीं हो रहा है प्रभु। क्या आपने मुझे चिरंजीवी होने का वरदान ये सब देखने के लिए दिया था क्या प्रभु? हनुमान, ये आपकी चिंता का कारण हो सकता है। धरती पर जो आपकी शक्तियाँ हैं उनका अंत होने का समय आ गया है। कलयुग में इस समय पाप बढ़ रहा है, उसका अंत करने के लिए मैं दो उत्तम स्त्री और पुरुषों की सृष्टि करने वाला हूँ। दो जो कलयुग के भाई बहन हैं, उनके हाथों में एक गोल सा तिल होगा। उनकी शादी के बाद बच्चे होंगे, उन बच्चों से धर्म बचेगा और अन्याय का अंत होगा। हनुमान, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। चिरंजीवी भव। जय श्री राम। ओम शक्ति, ओम माते, ओम वरवरदे, सर्वजननी वसमाने स्वाहा। माते, जो कार्य मैंने आरंभ किया है वो सफल होना चाहिए। माते, यदि कोई विपदा आई तो अपने प्राण त्याग कर भी मैं आपका रक्ताभिषेक करूंगा। अघोरा
जय गुरु असुरा। अघोरा, भगवान के संकल्प से जिन बच्चों ने जन्म लिया है वो यहाँ से दक्षिण दिशा में बस कुछ ही दूरी पर रहते हैं, तुम उन्हें उठाकर यहाँ लाओ। उन बच्चों की पहचान है उनके हाथों पर गोल तिल के निशान। अमावस की रात को जब मैं शक्ति माँ को उनकी बलि चढ़ाऊंगा, मुझे अखंड शक्ति प्राप्त होगी। मैं अजय हो जाऊंगा और इस दुनिया पर राज करूंगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य, अगले अमावस तक उन बच्चों को मैं आपको सौंप दूंगा। कार्य संपन्न करो। जो आज्ञा। अमल कनक वर्णम प्रज्वल पावकाचम सरसिजनि भवत्रं सर्वदा सुप्रसन्नम् पटुतर घनगात्रं कुंडलालंकृतांगं रणजयकरवालं रामदूतं नमामि अंजना सुप्रजा वीरपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ हरिसादूल कर्तव्यं दैवमाहिकम् उत्तिष्ठ हनुमान उत्तिष्ठ विजयध्वजा उत्तिष्ठ विरजा कांत त्रैलोक्यं मंगलं कुरु श्री रामचंद्र चरणांबुजमत्त रामू अंजनी रामू अंजनी उठो, स्कूल जा रहा है, उठो ब्रश करो, चलो उठो। माँ, आज भी भैया ने पलंग गीला किया, अब रोज ये ऐसे करेगा तो मैं कैसे सोऊंगी? रोज बिस्तर तुम गीला करती हो और दोष भैया पर लगा रही हो। रोज सोने से पहले बाथरूम जाया करो। वो तो बाथरूम में भी सोता है। शैतान ऐसी बातें रोज नहीं करते। क्या हो रहा है सुबह सुबह, ये क्या चल रहा है? सब आपकी ही आदतें हैं। क्योंकि ये मेरी बेटी है। बस बस चलो स्कूल जाना है। चलो तैयार हो जाओ। चलो चलो। सुनो, पता है रात को मुझे एक बहुत अच्छा सपना आया। सपना? यस। उस सपने में मैंने देखा कि हमें एक खूबसूरत बेटी पैदा हुई। आह, कितना अच्छा सपना था। चलो सपने को सच करते। वो थ्रिलिंग अपने सपने में ही रहने दीजिए। अपने लिए अंजलि और रामू ही काफी है। मुझे काम है, उठिए। अरे उठिए। क्या बात है, ऐसा पलट पलट के क्यों देख रहा है? कोई और आने वाला है क्या? मेरी होने वाली बीवी आने वाली है। एक दूध की ठेली और दो दो लोग, आपको उससे क्या फर्क पड़ता? आपको ऑफिस जाना होगा ना? ऑफिस क्यों जाना, मैं तो रिटायर्ड हो गया हूँ। कोई बात नहीं है, आप बुजुर्ग हैं, आप पहले जाइए। जाइए। मैं नहीं जाऊंगा, मैं कायदे से जाता हूँ। कायदा कायदा होता है, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। तू आगे है, तू जाएगा। मिलिट्री से रिटायर्ड हुए क्या? एकदम सही पहचाना। सुबह सुबह किससे पाला पड़ गया, न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। क्या बका रहे? ठीक है, मुझे दूध नहीं लेना, आप ही जाइए। शाम को 5 बजे। ठीक है। दरवाजे से आवाज आ रही है। मुझे भी आ रही है। देखो फिर आ रही है। हाँ, अब हम क्या करें अंजनी? चलो देखते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं हूँ तुम्हारा दादाजी। ओ दादाजी। तुम लोग ऐसे डरे हुए क्यों लग रहे हो? हम दोनों हॉरर फिल्म देख रहे थे इसीलिए। ओ, ये बात है। पिताजी आप कब आए? सभी आया। तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। अब क्या बताऊँ, आजकल बसें समय पर नहीं आती है ना, इसीलिए देर हो गई। दामाद जी अभी ऑफिस से आए नहीं, उनको आने में देर हो जाएगी, मगर आप आइए ना, खाना खा लीजिए। ठीक, आइए। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा और तुम्हें जवाब देना होगा। तुम दोनों को हॉरर फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता है ना? बाप रे, डर लगता है। जब तुम्हें डर लगता ही है तो तुम लोग इस तरह की फिल्में क्यों देखते हो? हा? अगर तुम जैसे छोटे बच्चे सोने से पहले इस तरह की फिल्में देखेंगे तो जानते हो ना क्या होगा, सपनों में भी भूत आने लगेंगे। तो अगर
आपको भूत वाले बुरे बुरे सपने नहीं देखने हैं, तो मैं जो बोलूंगा वो करोगे? यस, हम जरूर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको पता है ये कौन है? हमें पता है, हनुमान जी। हनुमान जी, पर इनके बारे में और भी कुछ पता है? हाँ, पता है, भगवान है। हाँ, भगवान है, मगर ये कोई साधारण भगवान नहीं है, ये भूतों को भगाने वाले भगवान हैं। इनका नाम सुनते ही कितना भी बड़ा भूत क्यों ना हो, वो दौड़कर दूर भाग जाता है। तुम लोगों ने तो देखा ही होगा, ये शक्तिमान, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये सब जो बने हैं, ये सब हमारे हनुमान जी को ही देखकर बनाए गए हैं। हवा में उड़ना, बिल्डिंग के ऊपर से जंप करना, ये जो देखते हो ये सब हनुमान जी को सोचकर ही इंग्लिश फिल्मों में लिया है। एक बार क्या हुआ जानते हो? जब हनुमान जी बहुत छोटे से थे, तब उन्होंने आकाश में सूरज को देखा। उन्हें लगा कि ये कोई फल है और उसे खाने सूरज तक पहुंच गए। अब बताओ, तुम्हारे सुपरमैन, स्पाइडरमैन ये सब कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अब ये देखो, ये हनुमान जी का तिलक है, इसे रोज सोने से पहले माथे के बीच में लगाकर सो जाओगे तो सपनों में भूत बिल्कुल नहीं आएंगे, बल्कि टीके की वजह से हनुमान जी सपने में आएंगे। हाँ। हाँ। अब ये क्या है? हनुमान चालीसा। इसको सोने से पहले तकिए के नीचे रखकर सो जाओगे तो कोई भी बुरी शक्ति पास नहीं आएगी, एकदम अच्छे से सो जाओगे। ठीक है, तो अब सो जाए ना, टाइम भी हो गया है, तो चलो सो जाओ। हाँ, हाँ, तो आ जाओ। अतुलित बल धामम स्वर्ण से लाभ देहम नव्यजाना कृष्णामं नानीनाम अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानरानामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वार्ताजातम् सुधारी। ये सब आपको किसने सिखाया? दादाजी ने सिखाया डैडी। गुड, बहुत अच्छा गाया आप। मेरे बच्चे जो है। सर, क्या बात है, कैसे आना हुआ? वो आपने कहा था ना मेरे जॉब के सिलसिले में, कल चेयरमैन साहब से तुम्हारे बारे में बात करूंगा, उनसे मिल लेना। थैंक यू सर। अच्छा, चलता हूँ। ओके। सुनो बच्चों, इधर आओ। अंकल ये। अरे अरे वो देखो अंकल, चॉकलेट दे रहे। किसी के हाथ में तिल नहीं है। हाय फ्रेंड्स, क्या बात है, आज पैदल जा रहे हो? फ्लाइट मिस हो गई है ना? डैडी नहीं है, ऑफिस चले गए हैं कार लेकर। अरे यार, मेरे पास भी बाइक नहीं है कि तुम्हें स्कूल छोड़ दूं। अरे मैं सच कह रहा हूँ। रहने दे, आजकल तो गर्लफ्रेंड के चक्कर में हमको भूल गया है, समझा ना? और चॉकलेट्स भी नहीं लाते। तुम दोनों को कैसे पता चला? अरे हमें ही नहीं, पूरी कॉलोनी को पता है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस नाराज हो क्योंकि तुम्हें चॉकलेट नहीं मिली। ऐसा कभी हुआ है कि मैंने तुम्हें चॉकलेट्स नहीं दिए? बोलो। ये लो चॉकलेट्स। थैंक यू भैया। थैंक यू। बाय। अच्छा बाय। सुनिए, मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी। डॉक्टर ने आपको जो बोला मैंने सब सुन लिया। क्या बात है सुनी, डॉक्टर क्या भगवान है जो उसकी सारी बातें सच हो जाएंगी? तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज। सुनिए, आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? मेरे मरने के पश्चात
आपको दूसरी शादी करनी होगी और बच्चों को माँ की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। मेरी बात मानोगे ना आप? बेटा चंदर। कहिए पिताजी। तुम सौम्या के बारे में सोचकर कब तक दुखी रहोगे? जरा देखो सुगना तुम्हें देखकर कितनी दुखी हो रही है। वैसे भी मेरी बेटी सौम्या मरी कहां है? सगुना के रूप में तो वो हमारे बीच में है। अच्छा ये लो, ये सौम्या के नाम के जमीन के कागजात थे, इनको मैंने सुगना के नाम पर ट्रांसफर करवा दिए हैं। हमारे नाम पर क्यों पिताजी, बच्चों के नाम पर कर दीजिए, ये लीजिए। ठीक है वैसे ही करता हूं। अब मैं चलूं यहां से? इतनी भी क्या जल्दी, कुछ दिन और रुक जाइए। अरे अब नहीं बेटा, बच्चों को देखने का मन किया था तो चलाया, तुमसे भी मिल लिया, अब वहां पर भी बहुत सारे काम पड़े हैं, उनको भी देखना है। तो बेटी चलो। अच्छा। मैं आपको छोड़ संभल कर जाइएगा। थैंक यू अंकल। बच्चों आप किन्हीं ऐसे बच्चों को जानते हो जिनके हाथ पर गोल सा तिल हो? नहीं पता अंकल। पता चले तो मुझे बताना, मैं खूब से चॉकलेट्स दूंगा। अच्छा अंकल। त्रेता युग में प्रभु राम की महिमा सर्वश्रेष्ठ थी, सिर्फ उनका ध्यान करने से ही सारे पाप धुल जाया करते थे, उनके चरण स्पर्श से ही अहिल्या पत्थर से इंसान बन गई। सुग्रीव को दिए वचन के अनुसार उन्होंने पापी बाली के प्राण लिए। सुग्रीव का राज्याभिषेक कराने वाले वो महापुरुष, पत्नी की तरफ भक्ति, पिता आज्ञा का पालन करने वाले, अपने वचन से पीछे न हटने वाले श्री रामचंद्र के बाणों का सामना करने की शक्ति सृष्टि में उस युग में तो क्या किसी भी युग में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इधर आ जाओ बच्चों। हाँ अब मुझे बताओ, हनुमान जी है ना, उनकी भक्ति, महानता और आदर अतुलनीय है। वो भी हमारी तरह भक्त ही थे? नहीं, वो भगवान थे। अच्छा मैं श्री राम जी की महानता की व्याख्या करता हूँ, तुम अपने हनुमान जी की महानता का बखान करो। ठीक है। तो फिर आ जाओ। कहाँ चले गए? आपने हनुमान जी का बखान कितनी अच्छी तरह से किया, आपके माता पिता वाकई बहुत भाग्यशाली हैं। अब से मैं जहाँ कहीं भी जाऊंगा रामचंद्र जी के बखान के साथ साथ हनुमान जी का बखान भी अवश्य करूंगा। अरे ये क्या, तुम लोगों ने माला पहन रखी है? हम हनुमान जी के मंदिर गए थे और वहाँ पर हरिदास जी से मुकाबला हुआ हमारा। अच्छा, वहाँ के भक्तों ने हमें ये माला आदर सहित पहनाई। अच्छा आपने तो स्वामी जी के साथ प्रतियोगिता की है, इसका मतलब आप सामान्य बच्चे नहीं हो। भाई वो एक दो दिन में पैसे लौटा देगा। ए, क्या हुआ, तेरे तोते क्यों उड़े हुए हैं? हमने श्रावणी दीदी को पार्क में एक लड़के के साथ देखा। भाई किसका छोकरा है वो? हमारे मोहल्ले के कृष्णामूर्ति का छोकरा है, उसका नाम है शेखर। कल तक अगर उस छोकरे को ऊपर नहीं पहुँचा दिया तो मेरा नाम वेंकट भाई नहीं। अंजनी वो हमारे शेखर भैया को मार डालना चाहते हैं। चलो जाकर हनुमान जी को प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी लगता है वो हमारे शेखर भैया को मार डालेंगे, कृपया उन्हें बचा लीजिए हनुमान जी। हनुमान जी हमारा भाई बहुत अच्छा है, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, मोहल्ले में सबके साथ उसकी अच्छी बनती है, आपको उन्हें बचाना ही होगा हनुमान जी। अंजनी हमने हनुमान जी को अपना संकट बता दिया, अब वो हमारी मदद जरूर करेंगे। भैया उन्होंने हमारी पुकार अच्छे से सुन ली है, उन्हें हाँ तो कहना चाहिए था ना। हनुमान जी प्लीज हाँ कह दीजिए ना, मेरी बहन विश्वास नहीं कर रही। हाँ बोलिए ना, अगर आप हाँ नहीं कहेंगे तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम खाना भी नहीं खाएंगे, हाँ कहिए ना हनुमान जी। हाँ बच्चों। अंजनी हनुमान जी ने हाँ कहा, अब घर चले। हाँ चलो अब चलते हैं। ठीक है।
पीछे संभल कर। आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं। शेखर अच्छा लड़का जान पड़ता है। शेखर? हाँ? आपको मेरा नाम कैसे पता? श्रावणी मेरी बहन है। वो मैं और श्रावणी मैं जानता हूँ। मेरी बहन की पसंद मुझे भी पसंद है। मुझे जाने बगैर तुमने मेरी जान बचाई। मुझे यकीन है तुम मेरी बहन को खुश रखोगे। मैं जल्दी ही तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। मैडम कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? वो गुंडे अब आपको परेशान तो नहीं कर रहे? नहीं सर, अब नहीं करते। मैं आपकी एहसान मंद रहूंगी। बच्चे ठीक से पढ़ तो रहे हैं ना? जी हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। वो चीजें बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। बहुत ही होशियार है आपके दोनों बच्चे। बच्चे कितने होशियार हैं ये तो पढ़ाने वाले पर भी निर्भर करता है मैडम। सिर्फ टीचर्स पर ही नहीं, माँ बाप पर भी ये निर्भर करता है। मैं समझता। चलो बच्चों। बेटी सुगना। अंकल आंटी आप लोग कैसी हो बेटी? इतने समय के बाद मेरी याद आई। अंदर आइए आप दोनों। याद कैसे नहीं आएगी, तुम्हारे अंकल को तो 4 हफ्तों से तुम्हारे ही सपने आ रहे हैं। हमसे रहा नहीं गया और तुमसे मिलने आ गए। बेटी सुगना ये तुम्हारा खुद का घर है? हाँ। घर तो बहुत अच्छा सजाया है। अच्छा आप मुझे ये बात बताइए कि आप इस घर के बारे में क्यों पूछ रही हैं? एक मिनट रुको, जानती नहीं सवाल का पूछना चाहिए। बेटी तुम बहुत खुश दिख रही हो, ये देखकर हमें खुशी हुई। वैसे तुम्हारा पति कहाँ है? वो ऑफिस गए, शाम को आ जाएंगे। मम्मी मम्मी। अरे संभल के। मम्मी मम्मी बड़े चूहे। चूहे हैं कहाँ? अभी अभी घर पे आए हैं। ठीक है नौकरों को कहकर उन्हें बाहर करते हैं। देखो कौन आया है। ओह आप कब आए? हमने आपके बारे में बहुत सुना है। तो तुम हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हो? हाँ बहुत कुछ, हमारे दादाजी आपके बारे में अक्सर बात करते हैं। दरअसल वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। क्या कह रहे थे वो? आप टिकट के बिना सफर करने में बहुत ही माहिर हो। ये बात है, असल में उनको मजाक करना बहुत पसंद है। वैसे इनके बारे में भी कुछ बता। हाँ, इनके बारे में भी। सुगना मेरे सर में दर्द हो रहा है, थोड़ी चाय बनाओगी? दोनों बच्चों से बात कीजिए, मैं अभी लाती हूँ। अच्छा बेटा तुम्हारे दादाजी ने मेरे बारे में क्या क्या कहा बताओ मुझे। क्या आप अक्सर दुकानों में बताए बिना साड़ियाँ चुरा लेती हो? ठीक है जाके खेलो। हाँ जाओ बेटा तुम भी खेलो। सुगना बहुत ही भाग्यवान है, सेकंड हैंड पति और फर्स्ट हैंड घर। लगता है बहुत ऐश कर रही है सुगना। ठीक है पहले तुम जाकर नहा लो, बाद में बात करेंगे आराम से। हम यहाँ से जाने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। समझ गया। चलो। आज पेट भर के खाया? आप तो बहुत होशियार हो, लगता है आपने सारे रिश्तेदारों की लिस्ट देखने के बाद ये घर चुना है। चंदर अच्छा आदमी तो है ही, बहुत पैसे वाला भी है। यहाँ लंबा हाथ मारने के बाद हमारी सारी जरूरत पूरी हो जाएगी। वो तो मैं करके रहूंगी। रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ रोजेस। अरे वहाँ देखो कोई चॉकलेट दे रहा है। वहाँ पर कोई चॉकलेट्स दे रहा है। ये अंकल चॉकलेट। चलो अंजनी हम भी चलते हैं। जनी क्या कर रहे हो तुम दोनों? चलो अंदर चलो। ए तुम कौन हो, तुम्हें बच्चों से क्या काम है? वॉचमैन? जी मैडम। तुम पागल हो क्या? कुछ अजीब लोग आकर बच्चों को चॉकलेट दे रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर? अगर कोई बच्चों को अगवा करके ले गया तो जिम्मेदार कौन होगा? चलो इसे बाहर निकालो। चलिए साहब बाहर निकलिए। चलिए चलिए चलिए। समझ में नहीं आता क्या? वाह क्या हार है। कोई है तो नहीं ना यहाँ? ओ ये तो नहा रही है। क्या छुपा रही हो? ये मेरी मम्मी का नेकलेस है। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं तो बस देख रही थी। इसे वापस रखो। हाँ हाँ रख तो रही हूँ। क्या हुआ? क्या क्या हुआ, जब तक ये बच्चे घर में है मैं कोई भी चीज नहीं उठा सकती। इतने अरसे हो गए यहाँ रहते, तुमने एक भी चीज नहीं चुराई है।
शर्म की बात है ये। वही तो मैं सोच रही हूँ कि इस घर की चीजों को कैसे चुराया जाए। ओम दुर्गाय नमः, ओम चंडिकाय नमः, ओम सर्व संहार कारण्य, ओम सर्व कर्म फल प्रदायिनी अघोरा। जय गुरु असुरा। अमावस्या सर पर है, शुभ कार्य का क्या हुआ? गली गली बच्चों को ढूंढ रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को मिल चुका हूँ पर वो बच्चे नहीं मिले। मूर्ख कहीं के, मुझे कारण नहीं समस्या का समाधान चाहिए। बस एक बार उन बच्चों का चेहरा मुझे दिख जाए तो मैं उन्हें यहाँ लाकर पटक दूंगा। उनका जन्म एक कार्य हेतु हुआ है, कदापि इसीलिए मेरी साधना में बाधा उत्पन्न हो रही है, किंतु प्रयास तो करना ही होगा। ओम भैरवी, ओम भुवनाय, ओम माताय। गुरु असुरा, मैंने इन्हें देखा है, अब वो मेरे हाथों से नहीं बच पाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, अमावस की रात को इनकी बलि देने की तैयारी कीजिए। देखो कितनी अच्छी कढ़ाई कर रही है। और जरा तुम खुद को देख लो, एक बटन भी नहीं सी सकती हो। बस बस रहने दो, बहुत सुंदर है। कहाँ से सीखा? कहीं से भी नहीं, मैंने खुद ही सीखा है। मुझे पता है तुम बहुत ही समझदार हो। सुगना, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? जरूर। मैं एक हफ्ते से देख रही हूँ, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा पति तुमसे ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करता है। हाँ, मेरा अच्छा ख्याल रखते हैं। देखो बुरा मत मानना, मुझे तुम्हारी चिंता है इसीलिए पूछा। कुछ भी हो पर तुम दूसरी पत्नी हो, तुम्हें क्या फायदा होगा? कल अगर तुम्हारे बच्चे हुए तो उनका क्या? उनके भविष्य के बारे में सोचा है तुमने कभी? ये बच्चे बहुत हैं, मुझे और बच्चे नहीं चाहिए। देखो बेटी, हमारे अपने बच्चों नहीं, हमें अपने घर से निकाल दिया है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। एक तो ये तुम्हारे अपने बच्चे नहीं है, अगर ये घर तुम्हारे नाम हो जाए तो हमारी चिंता खत्म हो जाएगी। हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं सुगना, सोच लो। पर तुम दूसरी पत्नी हो, तुम्हें क्या फायदा होगा? कल अगर तुम्हारे बच्चे हुए तो उनका क्या? उनके भविष्य के बारे में सोचा है तुमने कभी? अब देखो बेटी, हमारे अपने बच्चों ने ही हमें अपने घर से निकाल दिया है। ये देखो। अरे रे, इतनी जोर से टीवी देख रहे हो, कम से कम आवाज तो कम करो। तुम क्या चाहती हो? मैं इस घर से निकल जाऊं क्या? कोई डांटने वाला नहीं है इसलिए बदमाशियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे ही संडे आता है मेरा जीना मुश्किल हो जाता है। तुम दोनों बच्चों से मैं तंग आ गई हूँ। भैया, मम्मी इस तरह कभी नहीं चिल्लाती, आज ऐसा क्यों किया? पता नहीं आज उन्हें क्या हो गया है। क्या बात है सुगना, तबीयत ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चों ने खाना खाया? तुम और तुम्हारे बच्चे, कभी मेरे बारे में सोचा है क्या? क्या कह रही, ये बच्चे सिर्फ मेरे हैं? ये क्या हो गया है तुम्हें? अब तक तो कुछ नहीं हुआ, अपने बारे में सोच रही हूँ ताकि आगे कुछ ना हो।
मेरे नाम पर कोई जायदाद की है आपने या सिर्फ सब कुछ बच्चों के नाम पर कर दिया है? तुमने कर ही दिया होगा, मेरे बारे में क्यों सोचोगे तुम? जो मन में आया करो, मुझे क्या लगता है तुम पागल हो गई हो? अगर तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा ना तो जरूर पागल हो जाऊंगी। सुगो, कुछ तो गड़बड़ है। वो चांदी का ग्लास हमारा है, वापस रखो। हाँ हाँ पता है मैं तो साफ कर रही थी। क्या हुआ? मुझे प्यास लगी थी तो मैंने इससे एक ग्लास पानी मांगा। इसने कहा हमारा ही खाना खा रहे हो और हमसे काम भी करवा रहे हो। तुम लोगों की बदमाशियां बढ़ती ही जा रही हैं। बच्चे हो बच्चों की तरह रहो वरना मार खाओगे। मम्मी भैया को मत मारो, उनकी कोई गलती नहीं है। अगर मेरे सामने मुंह खोला ना तो जबान खींच लूंगी तुम्हारी, बदतमीज। सुगना मार दिया मुझे। क्या हुआ? तुम्हारे बच्चे तो मेरी जान लेने पे तुले हैं। ये क्या 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 किया तुमने? ये बच्चों और बड़ों में कोई फर्क नहीं है क्या? हाँ इन्हें मारते हो तुम शर्मिया दी? तुम्हें तो अभी ठीक करती हूँ मैं। बाहर चलो, अब तुम बाहर ही रहोगे। जब तक तुम्हारे पापा नहीं आते तुम अंदर मत आना। कुछ खाने को मिलेगा? अंजनी मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ मिलेगा। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है भैया? लगता है हम बहुत दूर आ गए हैं। मुझे डर लग रहा है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। जय गुरु रामू है। रामू मेरे स्वामी का नाम, बहुत अच्छा। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अंजनी है। मेरी माता का नाम, वाह बहुत अच्छा। तुम लोग मेरे घर चलोगे? नहीं, हम नहीं चलेंगे। चलो वरना वो राक्षस आ जाएगा। ठीक है हम चलते हैं। चलो यहीं पर रहता हूँ। चलो तुम्हें मंदिर दिखाता हूँ।
यहाँ सारे फोटो राम जी के हैं। तुम्हें हनुमान जी पसंद नहीं? उनका एक भी चित्र नहीं है। यहाँ पर राम और सीता होने चाहिए। हनुमान ना हो तो क्या हुआ, वो तो उनका भक्त है। गलत, तुम्हें हनुमान जी के बारे में ऐसी बात नहीं करना चाहिए। वो शक्तिशाली है, संजीवनी पर्वत लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाए। सीता जी को ढूंढकर उन्होंने राम जी को सूचना दी। हालांकि लक्ष्मण राम जी के साथ वन में थे, राम जी ने हनुमान जी को गले से लगाया और इससे तुम हनुमान जी की महिमा का अंदाजा लगा सकते हो, समझ गए? अच्छा, मुझे नहीं पता हनुमान जी ईमान थे या नहीं। उनका भाग्य अच्छा था जो राम जी ने उन्हें गले से लगाया। अरे मैं तो भूल ही गया, आप लोगों को भूख लगी होगी ना, चलो यहाँ बैठो। ये खाओ, हमें ये नहीं चाहिए। तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही है? हाँ। माँ का गुस्सा तो पानी के बुलबुले की तरह है, ज्यादा देर नहीं रहता। ये खा लो। तुम दोनों को ऐसे देखकर मुझे बुरा लग रहा है। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, और मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, हम खाते हैं। ये लो, तुम भी लो। रामो, अंजनी, जल्दी से नीचे आओ, मैं गिफ्ट्स लाया हूं, आ जाओ। सुगुना, क्या हो गया तुम्हें? बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तुम उन्हें बच्चे कहते हो? बिल्कुल भी तमीज नहीं है उनमें, चाची को मारा उन्होंने। आखिर हुआ क्या है? मैंने उनकी पिटाई की है। सुगुना, तुम पागल हो गई हो क्या? बच्चों पर हाथ उठाती हो तुम? वो छोटे बच्चे नहीं है, जब से छुट्टियां शुरू हुई है मेरा जीना मुश्किल कर दिया है उन दोनों ने। अब अपना मुंह बंद रखो और बच्चों को बुलाओ। सुगुना, सुन रही हो कि नहीं? मुझे नहीं पता वो कहां गए हैं, मैंने उनकी पिटाई की और वो दोनों बाहर चले गए। सुगुना, तुम इंसान हो के जानवर? तुम्हें मालूम है कि बच्चे बाहर है और तुमने मुझे बताया नहीं? छी, पता नहीं इस घर में आखिर हो क्या रहा। काश मुझे पता होता कि मेरे बच्चे कहां हैं। रामू, अंजनी, आओ भोजन करते हैं। मुझे माँ और बाबूजी की याद आ रही है। हम डैडी के बिना खाना नहीं खाते। तुम लोग अच्छे बच्चे हो ना, चलो कुछ तो खा लो। नहीं। हाँ? तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, इसीलिए बच्चों को भगा दिया। अब रहो इसी के साथ। शादी के वक्त ही मैंने तुम्हारे नाम जायदाद की थी, अपने बच्चों को मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। सुगना बेटी, तुमने रात से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लो बेटी। मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए। मुझे तो इस समय तुम पर बहुत तरस आ रहा है बेटी। बच्चों के न मिलने पर तुम्हारा पति तुम पर कितना गुस्सा हो रहा था। मुझे तो पता था ऐसा ही होगा, पहली पत्नी जैसा प्यार वो तुम्हें क्यों करेगा। सुगुना इतनी शरीफ है इसीलिए चुप है, कोई और लड़की होती तो अब तक कितनी गालियाँ दे रही होती। चाचा जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। लो। क्या है, तुम लोगों ने मुझे बंदी बना लिया और आप भी बच्चे बन जाते हैं। रहने दो बच्चों, अब बस भी करो। घबराओ मत मम्मी, तुम्हें बुखार है। हम आपका सारा काम करेंगे। सुगुना, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये लो जूस पी लो, उठो। आप क्यों लाए हैं? कौन लाया, इससे क्या फर्क पड़ता, पी लो इसे। चलो, शाबाश। आ, 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 आ,
पी लो, पूरा पी लो। रामू, अंजनी, चलो उठो, हमें जाना है। कहाँ? तुम्हारे पिताजी के पास। क्या तुम्हें पता है हमारे पिताजी कहाँ हैं? हाँ, वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अच्छा? हाँ, चलो। चलो, चलो, चलो। रामू, डैडी, अंजनी, बच्चों तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों ठीक तो हो ना? पता है तुम्हारे डैड कितने परेशान थे? हम कहीं नहीं गए थे, हम हनी के साथ रह रहे थे। कौन हनी? ये कौन है? ये हनी है, ये हमारा दोस्त है। हम इसके ही तो घर पे खेल रहे थे डैडी। तुम्हारा घर कहाँ है बेटा? यही पास में, राम मंदिर के निकट। और तुम्हारे माता पिता? नहीं है, वो भगवान के पास है। तुमने मेरे बच्चों से मुझे मिलाया। चलो बेटा, कहीं और चलते हैं, हम उस घर में नहीं जाएंगे। नहीं डैडी, घर जाएंगे, मम्मी के पास। माँ बेचारी घर पर अकेली होंगी। जी हाँ, इनकी माँ बहुत अच्छी है, चलो उनके पास चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो घर चले। मम्मी, मेरे बच्चों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपनी गलती की सजा मिल गई। अगर कुछ दिन और हो जाते तो मैं पागल हो जाती। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। सुगना, तुम तो बच्चों की तरह रोने लगी। अब मैं आ गया ना, इट्स ओके, चलो अब अंदर चलो, सब ठीक हो जाएगा। चलो बेटे। ये लड़का, सुगना, मैं तुम्हें बताना भूल गया, इसी ने हमारे बच्चों को बचाया। इसका कोई नहीं, ये हमारे साथ रहेगा। मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूंगी, तुम हमारे साथ ही रहो। हा? जी चलो अंदर चलो। कौन है ये लड़का जो बच्चों के साथ आया है? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। क्या लड़का है ये, आते ही हमें शॉक दे दिया इसने तो। ए, तुम वहां जाओ। अरे तुम दोनों वहां खड़े हो जाओ, चलो। ठीक है। अच्छा, सब लोग खड़े हो गए ना। ए, देखो बॉलिंग बॉलिंग, ए बॉलिंग, ए बाउंसर मत फेंकना, वाइड भी मत फेंकना, ए कम ऑन। ये बूढ़ा तो हमें मार देगा। क्या हुआ, गेंद नहीं मिल रही है? कैसे मिलेगी, महान सुनील तेंदुलकर हूँ, मेरा शॉट ऐसा ही होता है। अच्छा बैट पकड़, मैं बॉल ढूंढ कर लाता हूँ। कहाँ पर होगी ये बॉल? हाँ? ये रखिए यहाँ। Happy days, la 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 la। ए, रुक 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 रुक, तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, ब्लड लगा हुआ है, तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ है क्या? ऐसा कुछ नहीं। अरे बात तो सुनो, मेरा शरीर दुख रहा था और मैं मसाज वाले को ढूंढ रहा था, तभी रास्ते में मुझे एक रोड रोलर दिखा। वो? तभी रोड रोलर रास्ता बना रहा था। हाँ। और मैं रास्ते पर लेट गया और वो मेरे ऊपर से निकल गया। अब सब ठीक है। The pain is gone. कैसा पागल आदमी है ये, दर्द कम करने के लिए तो इंसान बाम लगाता है और ये कहता है कि रोड रोलर के नीचे आ गया। अरे भाई रुको रुको,
तुम्हारे कपड़े मिट्टी से लथपथ क्यों है? कुछ नहीं। अच्छा नहीं बताना तो। अरे अरे बात तो सुनो। हाँ तो बताओ। मॉर्निंग फ्लाइट से बैंगलोर जा रहा था कि याद आया पर्स घर भूल आया हूँ। तो टाइम बचाने के लिए दरवाजा खोला और प्लेन से कूद पड़ा। फॉर्चुनेटली मिट्टी में गिरा, पत्थर पे गिरता तो लग जाती। ऐसी बात कर रही है? ये पर्स घर पर भूल गया तो उसने फ्लाइट से छलांग लगा दी, और पत्थरों से बचने के लिए ये मिट्टी पर आकर गिरा। इन लोगों ने मुझे समझ क्या रखा? मैं इससे बिल्कुल नहीं पूछूंगा इसके साथ क्या हुआ है। तुम कुछ पूछोगे नहीं? तुम पूछो, मैं बताऊंगा। तुम्हारे शरीर पर ये खून। कुछ नहीं है ना, तुम्हें चलता। इसकी भी एक कहानी है। बात वो है कि वो रेल की पटरी होती है ना, उस पर रेल चलती है। वो जो पटरी है ना, वो मैं क्रॉस कर रहा था और सामने से ट्रेन आ गई और मुझसे टकराई। तीन बोगी, एक इंजन, फुल पलटी। मुझे कुछ नहीं हुआ। और तुम्हारे चश्मे को भी कुछ नहीं हुआ? बताता हूँ, बताता हूँ। जब पहिया मुझसे टकराया तब मैं घूम गया, चश्मा बच गया। अच्छा, चश्मा बचाने के लिए ट्रेन को पीठ दिखाकर बैठ गए तुम? तेरी तो। अरे सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बच्चों के साथ खेल रहा था क्रिकेट। अरे आपको पता नहीं यहाँ कुछ पागल लोग घूम रहे हैं क्या? और एक पागल ने तो सुबह से 10 लोगों को काट लिया है। हे भगवान, चलिए जल्दी निकलिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं उन लोगों के सामने नहीं आया। अरे बच्चों चलो भागो, क्रिकेट बाद में खेलेंगे। चलो चलो। अंजनी, ये क्या है? ये मसाला मिर्च है, दाल और चावल के साथ खाएं तो टेस्टी लगता है। ओह अच्छा। रामू, ये तुम क्या खा रहे हो लाल रंग का? ये अचार है, इसे पापड़ के साथ खाए तो मजा आ जाए। हनी खाओ ना, हमने तुम्हारे घर पे खाया था ना, अब तुम भी खाओ। ये लो हनी। अच्छा ठीक है। अरे बाप रे, हमारी बाप रे। जरा देखिए तो, हनुमान मिर्च नहीं खा सकता। क्या करें देवी, कभी कभी भक्तों के लिए भगवान को भी कष्ट उठाना पड़ता है। हे प्रभु दया कीजिए। राम 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 राम। तीखापन चला गया। मिर्च खाने के पश्चात आपका नाम लेते ही उसका मुंह मीठा हो गया, अब कोई संकट नहीं। हे राम तेरी कृपा। भैया एक और निवाला लेंगे आप? एक और नहीं। अमावस की रात निकट आ रही है, इन बच्चों को पकड़ना और कठिन हो रहा है। हनी भैया, सुनील तेंदुलकर एक क्रिकेट के गुरुजी है। माना जाता है कि उन्होंने सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट सिखाया है। वो हमें भी सिखाना चाहते हैं, चलो। ओह इतना महान खिलाड़ी है, परंतु वो है कहाँ? यहाँ पर निकट ही एक छोटा मैदान है, चलो ना भैया। पर मुझे तो क्रिकेट खेलना आता नहीं। हम खेलेंगे, आप देखना। ठीक है चलो। तुम आ जाओ। ओके सर। और तुम? हाँ ओके सर। ए तुम इस तरह, तुम सब बच्चे उधर जाओ। अच्छा। ए लड़के तुम बैटिंग करो। नहीं सर। नहीं क्या? ये सुनील तेंदुलकर ने कहा है, चलो बैटिंग करो। परंतु सर मैं कष्ट क्यों उठाऊं? ए लड़के तुम क्या अपने आप को महेंद्र सिंह धोनी समझते हो? चलो बैटिंग करो। अगर मैं गेंद को मारूं और गेंद गुम हो गई तो? 10 से ज्यादा क्या होगा, या तो 4 होगा या 6 होगा, वो भी जब मैं चाहूंगा तब। लो खेलो। नहीं मैं तुमसे बड़ा हूँ, जो कह रहा हूँ चुपचाप करो। Come on! जैसा आप कहें। आ,
ये तो बहुत जोर से घुमाता है, अब क्या करूं, बॉलिंग करवाता हूं। ए बॉल इधर ला, ए लड़के इधर आ, लड़के चल बॉलिंग कर। नहीं सर। क्यों नहीं करेगा? वो क्या आप गेंद को देख पाएंगे? क्यों नहीं देख पाऊंगा, तू अख्तर से भी तेज बॉल फेंकता है क्या? फेंक। आप संकट में पड़ जाएंगे। नहीं होगा, तू फेंक। कृपया मेरी बात मान। मैंने कहा ना बॉल फेंक मतलब बॉल फेंक, चल जा। कम ऑन। ठीक है। बॉलिंग करेगा, बॉलिंग। है। कैसे बन गई देखो, एक भी बॉल नहीं बची। रामू, अंजनी, आज का दिन सबसे अच्छा है। आज तुम्हारा जन्मदिन है। नहीं नहीं, उससे भी कई ज्यादा महत्वपूर्ण, आज है श्री राम नवमी। सच बात बताऊं तो साल के 365 दिन में से मैं इसी दिन की राह देखता हूँ। तुम दोनों ध्यान रखना, और मैंने तुम्हारे माता पिता को बताया है, मुझे जाना है, तो अच्छा अब मैं चलता हूँ। ठीक है। अंजनी, आज मम्मी का बर्थडे है। पता है। तो क्यों ना उन्हें बोले बिना एक गिफ्ट खरीद ले? पर उसके लिए तो पैसे चाहिए। मैंने कुछ पैसे बचा के रखे हैं, उनसे गिफ्ट खरीद सकते हैं। अच्छा चलो। भैया, गिफ्ट वहाँ पर मिलेगी। अच्छा चलो चलते हैं। आंटी, क्या आपके पास एक टेडी बियर है? हाँ, है ना। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। कितना आंटी? 300। हे भगवान, ये तो शैतान है। ए, कौन हो तुम, बच्चों को क्यों डरा रहे हो? छोड़ो, बच्चों को दूर हटाओ इनसे। चलो चलो जल्दी। भैया, गुरु असुरा। मम्मी, ये कौन हो तुम? गाड़ी को हाथ क्यों लगा रहे हो? कौन हो तुम? किससे पूछ के हाथ लगाया? हाँ, कौन हो, कौन हो? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। कहाँ? रामू, चलो मेरे साथ। जय गुरु असुरा। डैडी, उठो डैडी, चल मेरी डैडी को। नहीं, छोड़ो मेरे डैडी को, छोड़ो।
उठो डैडी, उठो डैडी, ना डैडी, उठो, प्लीज डैडी, उठो, डैडी, डैडी उठो, नहीं डैडी, जय राम श्री राम, अग्रजं सूर्य मित्रं नमो सन्तु संहारकं रुद्र रूपं नमो गगन संचारिकं वायु पुत्रं नमो असुर नाशनकरं धीर रूपं नमो सर्व दुःखांतकं ईश्वरांशं नमो दैत्य वंशहरणं बुद्ध रूपं नमो अंजनी प्रियसुतं आंजनेयं नमो लंकिणी भंजनं भजनेहं नमो अभय वरदायकं पावनासं नमो निखिल रक्षाकरं सर, मैंने आपको देखा नहीं। माफ कैसे कर दूं? पहले ये बताओ तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो और तुम क्या खाते हो? फल खाता हूँ और दूध पीता हूँ। दूध और फलों से तुम्हें इतनी शक्ति प्राप्त होती है कि पहले मुझे मारा और अब मुझसे टकराए, तुम्हें लगता है कि तुम बलि हो? तुम्हें पता है कि मैं क्या खाता हूँ? चिकन, फिश, मटन। जरा मुझे अपना हाथ दिखाओ। क्यों सर? तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ। देखो अब मेरी ताकत देखो, देखो मेरी। ओ माँ, और अब तुम मेरा हाथ दबाओ, दबाओ, कुछ नहीं होगा। पक्का? वो एक हाथ है, कुछ नहीं होगा। जैसे आप कहें। दबाओ। हाँ। छोड़ दूँ? हाँ छोड़ दूँ। हाँ आज के लिए काफी है, जाओ। हाँ? समझ में नहीं आता ये क्या बला है। बाबू, आप किसी काम में व्यस्त है क्या? हाँ ऑफिस का काम थोड़ा सा रह गया था, वही कर रहा था। क्यों, आपको कुछ काम है? हाँ वो क्या है कि वो थोड़ा जो भी है बता दीजिए ना। वो क्या है, सुगना ने अच्छा नहीं किया आपके साथ बाबू। आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? अब क्या बताऊँ बाबू, बोलूंगा तो कहीं आपको बुरा ना लग जाए इसलिए। अच्छी बात है, आगे बताइए। बच्चे तो गलतियाँ करते ही रहते हैं, लेकिन उनकी गलतियों के लिए सुगना को इस तरह से उन्हें मारना नहीं चाहिए था। अब बेचारे बच्चों ने तो किसी तरह सह लिया। सौतेली माँ तुम्हारे बच्चों को अपना क्यों समझेगी? दामाद जी आप तो बहुत भोले हो। सुगना, ये लो अपना सामान, चलो जाओ यहाँ से, निकल जाओ। अरे ये घर नहीं तो दूसरा ही सही, हमें तो कोई भी घर मिल जाएगा। हम भी देखते हैं ये कब तक खुल। रुक जाइए, आप लोग मुसीबत में हैं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। पहले ये बताओ तुम कौन हो? उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम हमारी मदद कैसे करोगे? इसमें क्या है भाई, गहने हैं क्या? सोने के पीस? हाँ
सोने के बिस्किट हैं, खाने के नहीं। अगर आप लोग मेरी बात मानोगे तो मैं आपको और भी दे सकता हूँ। तुम हमें इतना कुछ दे रहे हो, बदले में तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। अगर वो दोनों बच्चे आपने मुझे लाकर दिए तो ये सारा सोना आपका हो सकता है। वो दोनों बच्चे? उन दोनों बच्चों को तो घर से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल। अरे कुछ मुश्किल नहीं है, इस सोने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम चलो मेरे साथ आओ। देखिए ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा। अरे आप लोग फिर से क्यों आ गए? आना तो नहीं चाहते थे, पर तुम्हें देखकर एक बार माफी मांगकर हम लोग दोनों आत्महत्या करना चाहते थे बेटी। कृपया हमें माफ कर दो बेटी। गलत काम करना छोड़ो और सही रास्ते पर आ जाओ। ऐसा ही करेंगे। सुगना इन्हें घर में आने दो। बिल्कुल नहीं, बुरी आदतें इंसानों से कभी नहीं छूटती। आप लोग जाइए यहाँ से, जाइए। सुगना बेटी, हमने जो कुछ भी किया हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा है। सब कुछ भूलकर हमें माफ कर दो बेटी। हमें माफ कर दीजिए दामाद जी। उठिए, इनसे कुछ कहिए। जब तक ये माफ नहीं करेंगे हम नहीं उठेंगे। अच्छा हमने आपको माफ कर दिया, अब उठिए। चलिए उठ जाइए। ठीक है सुगना, इस बार इन्हें माफ कर दो। जाइए अंदर जाइए। दामाद जी तो भगवान है। अब हम अंदर। ठीक है अंदर आइए। अघोरा क्या हुआ? उन बच्चों को यहाँ लाने में इतना समय क्यों लग रहा है? मैंने उनका पता तो लगा लिया है, पर उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है गुरुजी। उस घर में किसी दिव्य शक्ति का निवास है। मैंने दो साधारण इंसानों का सहारा लिया है, वो बहुत ही स्वार्थी है, और शीघ्र ही वो हमें बच्चे ला कर देंगे गुरुजी। ठीक है, परंतु इस बार भी यदि तुम बच्चों की जगह कहानियां लेकर मेरे पास आए तो तलवार तुम पर क्रोधित होगी। जाओ। जो आज्ञा। ये लो बेटा, तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने तुम्हें डांटा इसलिए ना, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब हम दोस्त हैं। ठीक है ये लो। ले लो बच्चों, प्यार से दिया जाए तो ले लेना चाहिए। ले लो बच्चों। ले लो। हाँ ले लो बच्चों, ले लो। देखा बच्चों, ये लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। ये लड़का कितना प्यारा है। प्यारा तो हूँ, लेकिन जब मुझे गुस्सा आएगा तब देखना। क्या ये तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है? हाँ, तुम्हारे ही कारण मैं इनका दोस्त बना हूँ। थोड़ा पानी लेकर आओ बेटा। हाँ अभी लाता हूँ। हम बाहर जाकर ढेर सारी चॉकलेट्स और आइसक्रीम लेकर आएंगे। ठीक है? ठीक है। चलो चलो, चलो। हाँ? अच्छा ये क्या हो रहा है? ये जलन क्यों हो रही है? मर गई। ओफो ये क्या हो रहा है? मर गई मर गई। क्या करो? अब जाके जलन बंद हो गई। हाय भगवान, अब जाके ठंड पड़ी है। पर ये सब क्या था? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हरे भगवान, मुझे तो लगा मेरी जान निकल जाएगी। हाँ भगवान। ये लड़का क्या ढूंढ रहा है? मुझे देखना है ये क्या करता है। ठीक है थोड़ा मजा लेता हूँ, छोटा बच्चा ही तो है। बेटा हनी, हाँ? क्या ढूंढ रहे हो? वो बॉल सर। कौन सी बॉल? उस दिन जो मैंने ऊंचाई पर मारी थी ना, वो बॉल। उस दिन तुमने जिस बॉल को मारा था उसे ढूंढ रहे हो? हाँ, अब तक तो वो तीनों लोगों की सैर करके यहाँ वापस आ गया होगा। क्या मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? सच है सर। क्या कहा? मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ बेटा। यकीन कीजिए सर, बड़ों के साथ ऐसी मजाक नहीं की जाती। मैं सच कह रहा हूँ। तुझे पता है वो मैदान यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है? मैंने कहा था ना सर, तीनों लोगों की सैर करके यहाँ वापस आएगा। ये बच्चे सोने के बिस्किट जैसे हैं, ध्यान रखना होगा इनका। जरा धीरे बोलिए, कहीं ये शैतान जाग ना जाए। इतनी रात को भी ये लड़का इनके साथ बैठकर क्या कर रहा है? और उसका सर कैसे आगे आ गया? मैं तो डर ही गई थी, लगता है ये कोई तंत्र मंत्र जानता है। हाँ मुझे भी लगता है। रहा है अमावस की रात निकट आ रही है, बच्चे अब तक क्यों नहीं मिले? हम क्या कर सकते हैं? जब भी कुछ करने लगते हैं वो हनी बीच में आ जाता है।
हनी, उसे क्या अच्छा लगता है, वो क्या करता है? क्या करेगा? अरे जब भी वो सुनता है राम 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 तो सब काम छोड़ देता है। बच्चों को लेकर आ ही गए, शाबाश। दाओ, इन्हें मुझे दे दो। पहले वो पोटली मुझे दो। लो। ए! रुको, कौन हो तुम? बच्चों को कहाँ ले जा रहे हो? जय गुरु असुरा। और कोई काम हो तो हमें जरूर याद करना। हाँ ठीक है, पहले यहाँ से निकलो। जय जय रामा जानकी रामा जय जय रामा जानकी। कहीं अपना शेखर तो नहीं है? लगता तो वही है। ए गाड़ी रोक। क्या हुआ शेखर, क्या हुआ तुम्हें? हमारे मोहल्ले में चंदर के बच्चों को सुगना के चाचा और चाची ने अगवा कर लिया है। उन्होंने मुझ पर विभूति डाली और मुझे बेहोश कर दिया। उन बच्चों की जान को खतरा है, हमें उन्हें बचाना होगा। तो चलो जाकर उन्हें छुड़ाते हैं। अभी नहीं, पहले हम जाकर चंदर जी को खबर करते हैं। ठीक है चलो। हेलो, SI सुरेश बोल रहे हैं? यस सर, मैं सेंट्रल बैंक रीजनल मैनेजर चंदर बोल रहा हूँ। बोलिए सर। मेरे बच्चे सुबह से लापता है। हम अभी वहाँ पहुँचते हैं। प्लीज जल्दी आइए इंस्पेक्टर। बस हम पहुँच ही रहे सर। क्या हुआ जी, बच्चों के बारे में कुछ पता चला? सर सर, अंजनी और रामू को सुगना जी के चाचा चाची ने अगवा कर लिया है और किसी को दे दिया है। शेखर उन्हें बचाने गया तो इसे बेहोश कर दिया गया। ये सड़क पर पड़ा हुआ था, मैं यहाँ उठा कर लाया। बताइए क्या हुआ सर? आप
अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए सर, बच्चे वापस आ जाएंगे, हमारे साथ चलिए। ओके फाइन, चलिए चलिए। जय गुरु असुरा। अति उत्तम अघोरा, हम तुम्हारे कार्य से प्रसन्न हुए। सर सर, वो देखिए वहां, वो लोग जा रहे हैं। हाँ हाँ चलो, अरे मेरे लिए तो रुको। अरे 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 बाप रे, पुलिस वाले वहाँ पहुँच गए हैं। चलो ठीक है, वो संभाल लेगी उनको। वो बच्चे कहाँ है? कौन से बच्चे, ये क्या पूछ रहे हैं आप मुझसे? देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बता दीजिए मेरे बच्चे कहाँ है, बताइए ना। इस बैग में क्या है? कुछ नहीं है, मेरा सामान है। दो मुझे। हमसे भी धोखा किया, उसने मुझे सोने के बिस्किट देने का वादा किया था, हमारे साथ धोखा किया है। अब मैं क्या करूँ, हम बर्बाद हो गए, कहाँ जाएं? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, बच्चों को किसके हवाले कर दिया, बोलो ये सब किसने किया, नहीं तो तुम्हें शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। जब हम इनके घर पर रह रहे थे, उस जादूगर ने हमसे आकर कहा कि अगर हम इनके बच्चे उसे ला कर देंगे तो वो हमें सोने के बिस्किट देगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बताओ रहता कहाँ है? अपने सर की कसम मैं नहीं जानती। ले चलो इसे। जय जय रामा जानकी रामा, जय जय रामा जानकी रामा, राम राम रामा जानकी रामा। हनुमान, मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरे बच्चों ने सदा आपकी आराधना की है, आप मेरे देव हो और आप ही मेरी सहायता कर सकते हो। कृपया मेरे बच्चे मुझे लौटा दीजिए, मेरे बच्चे लौटा दीजिए। माते प्रसन्न हो। जय जय रामा जानकी रामा। जय प्रभातम, कहाँ आज हो तुम, कहाँ है वो रक्षा।
समय निकट आ रहा है, आप उनकी बलि दे दीजिए। ओम शक्ति, अब तुम्हारी आंखें बंद होगी और तुम सो जाओगे। सो जाओ। जय जय रामा जानकी रामा, जय जय रामा जानकी रामा, राम राम राम। हनुमान। जय जय राम। ये क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे माता सीता ने मुझे पुकारा? उन दुष्टों ने मुझे भ्रमित करने की चेष्टा की है। जय श्री राम श्री राम। शक्ति स्वरूपिणी जय श्री पिता के पास चलते हैं। आओ। सुगना, ये तुम क्या कर रही? अगर मुझे आने में थोड़ी देर हो जाती तो मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ है सुगना। हनुमान जी उनकी रक्षा कर रहे हैं। चलो घर चले। तुम दोनों उन दुष्टों के हाथों कैसे बचे? हमें नहीं पता, जब आंखें खुली तो हनी हमारे पास था। हनी? हाँ? हनी, पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे मैंने, तुम हमेशा मेरे बच्चों की रक्षा करते हो। थैंक यू सो मच। ये सब तो राम जी का आशीर्वाद है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। नहीं हनी, हमें छोड़कर कहीं मत जाओ, प्लीज हमारे साथ रहो हमेशा के लिए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अपने माता पिता के बिना नहीं रह सकता। डैडी, हनी को कहो ना हमारे साथ रहे। प्लीज हनी हमारे साथ रहो ना, प्लीज हनी प्लीज मान जाओ, मत जाओ, हमारे साथ ही रहो प्लीज हनी। मान जाओ हनी, प्लीज हमारे साथ रहो ना हनी। रामू, अंजनी, रो मत, मुझे याद करोगे तो मैं आ जाऊंगा, ठीक है ना? एक और आवश्यक बात, ये बच्चे साधारण नहीं है, इनका ध्यान रखना। अब मुझे जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, सुखी रहो।
प्रणाम। चिरंजीवी भव। प्रभु, आपका दिया हुआ कार्य मैंने संपन्न कर दिया है, अब मैं आपके भक्ति रस में डूबना चाहता हूँ। हनुमान, जो कुछ भी होना है वो इन बच्चों के कारण होना है, इनका जन्म इसीलिए हुआ है। सर्वे जनान सुखिनो भवन्तु। जय श्री राम।